हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 8। से पहले जो सेवन में पढ़ा था हमने, वो उसमें पढ़ा था किसी भी इक्वेशन का जो कि टू टर्म्स में हो, यानी कि दो वेरिएबल वाली इक्वेशन हो, उसका मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स किस तरह से निकालते हैं, किस तरह से काउंट करते हैं, और इसके कुछ एग्जाम्पल भी हमने पढ़े थे। लेक्चर नंबर 8 में हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास कोई हमारे पास एक कर्व दी हुई होगी, जैसे इसमें सपोज ये कर्व दी हुई है हमारे पास और एक पॉइंट दिया होगा, ये पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट से मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस किस तरह से निकालते हैं। अगर इसको हमें और एग्जांपल समझते हैं तो अगर 2D में समझे इसको, तो जैसे सपोज एक यहाँ पे वो दिया है हमारे पास, सर्कल दिया हुआ है, सर्कल में एक पॉइंट ये दिया हुआ है। अब इस पॉइंट से इस सर्कल पर मिनिमम डिस्टेंस कितनी है और मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है, तो मिनिमम डिस्टेंस इधर से आएगी और मैक्सिमम डिस्टेंस इधर से आएगी। तो इस तरह से वो पॉइंट जहां पे मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं उसके उनको किस तरह से निकालते हैं, तो इसको हम समझेंगे इस एग्जांपल में। बेसिकली इस मेथड का जो नाम है वो है लैग्रांज मेथड फॉर अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। इस मेथड में हम करते हैं, एक हमारे पास इक्वेशन होती है, वो होती है हमारे पास डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस लैम्डा डेल फाइव अपॉन डेल जेड ऑफ डी जेड इक्वल टू जीरो। ये एक इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास फाइव जो होता है, फाइव जो फंक्शन जो हमारे पास जो दिया हुआ होता है, जो कर्व दी होती है वो फाइव होता है, और जो एफ जो होता है, एफ जो वो डिस्टेंस वाले पॉइंट्स को देखते हैं, इस डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है उसको लेता है। तो इसमें जैसे डिस्टेंस हमारे पास जिस पॉइंट पे होगी उसको हम सपोज एक पॉइंट मान लेंगे, और उससे डिस्टेंस का उसको मिनिमम करना है उस डिस्टेंस को इसके करस्पॉन्डिंग, जो सर्कल दिया हुआ है, जो हमारे पास स्पीड दिया हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग। तो अब इसको हमें एग्जांपल इस एग्जांपल की हेल्प से इसको पूरा समझते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल, अब पहले करते हैं लेट एक्स वाई जेड आर पॉइंट ऑन स्फीयर, ये हमारे पास रेंडमली पॉइंट्स मान लिए कि ये हमारे पास पॉइंट है स्फीयर पे। जब इनसे इस पॉइंट से और इस पॉइंट के डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास, इसके डिस्टेंस का फॉर्मूला जिसको हम दे सकते हैं डी बराबर एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर का स्क्वायर प्लस जेड माइनस ट्वेल्व का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास इसकी डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस को अगर हम इसको स्क्वायर में खोल लें, इसको इजी हो जाए इसके लिए, तो अगर स्क्वायर में खोल के करेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस का कोई डी जो है वो नंबर छोटा है तो उसका स्क्वायर जो है वो भी छोटा ही होगा। तो मिनिमम के लिए हम पहले इसको डी स्क्वायर कर रहे हैं, डी स्क्वायर बराबर एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस ट्वेल्व का होल स्क्वायर, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर भी हमारे पास मिनिमम ही वैल्यू देगा, क्योंकि हमें हमारा जो मेन उद्देश्य है वो मिनिमम पॉइंट्स वाले पॉइंट्स निकालना है। तो ये हो गया हमारे पास डी, इसको हम मान लेते हैं एफ एक्स वाई जेड, ये हो गया हमारे पास। और फाइव बराबर क्या है हमारे पास, फाइव बराबर इस वन को इधर लिखे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वन। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई डेल एफ अपॉन डेल जेड, इस तरह से डेल फाई अपॉन डेल एक्स, ये सारे पॉइंट्स हमें निकालने हैं। तो अब ये हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल एक्स की बात करें, डेल एफ अपॉन डेल एक्स की बात करें तो इसका हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा टू एक्स माइनस थ्री, इसका डिफ्रेंसिएशन तो इधर फोर एक्स माइनस थ्री, ये हुआ
डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो यहां से ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी टू तो आगे रहेगा, ये हो गया यहाँ पर निकालेंगे टू वाई माइनस थ्री, एंड डेल एफ अपॉन डेल जेड निकालेंगे तो ये टू यहां से जेड माइनस ट्वेल्व, ये हो गया। और अगर हम डेल फाई वाले निकालें तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स बराबर टू एक्स, डेल फाई अपॉन डेल वाई बराबर टू वाई, एंड डेल फाई अपॉन डेल जेड बराबर टू जेड। अब ये निकाल लिया हमने। अब फिर जो हमारे पास जो फॉर्मूला था, पहले हमें निकाल ले स्टेबिलिटी पॉइंट्स, यानी कौन कौन से पॉइंट्स है जहां पे ये मैक्सिमम में मिनिमम डिस्टेंस हो सकती है। तो स्टेबिलिटी पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इसके लिए करते हैं हम डेल एफ अपॉन डेल सॉरी हाँ डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल एक्स, इसी तरह से ये डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल वाई, ये इक्वल टू जीरो, ये इक्वल टू जीरो, एंड डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल जेड इक्वल टू जीरो। अब ये हम करते हैं फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारे पास। तो यहां से अगर हम करें इसको तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स टू एक्स माइनस थ्री प्लस लैम्डा और डेल लैम्डा टू एक्स इक्वल टू जीरो। या और यहां से अगर देखें तो सेकंड वाले से, तो यहां से हो जाएगा हमारे पास टू वाई माइनस थ्री सॉरी वाई माइनस फोर आएगा फ्रेंड्स, यहां पर फोर आएगा, ये फोर है पॉइंट में, तो वाई माइनस फोर और ये प्लस लैम्डा टू वाई इक्वल टू जीरो एंड टू लैम्डा माइनस ट्वेल्व सॉरी जेड माइनस ट्वेल्व प्लस लैम्डा टू जेड इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया हमारे पास, ये इनको इक्वेशन नंबर वन टू एंड थ्री दे देते हैं, ये हो गया हमारे पास। अब ये हो गया तो इसके बाद हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, हमारे पास ये टर्म आ चुकी है। अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू जेड की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहां से ये हो जाएगा हमारे पास। अगर पहले में देखें तो टू एक्स माइनस सिक्स प्लस टू लैम्डा एक्स, तो ये हो गया हमारे पास टू लैम्डा एक्स, ये इन दोनों ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो गया टू कॉमन ले लिया इसके साथ ही और एक्स कॉमन ले लिया, तो वन माइनस लैम्डा इक्वल टू सिक्स। तो यहां से हो गया हमारे पास एक्स इक्वल टू थ्री अपॉन वन माइनस लैम्डा, तो एक्स इक्वल टू यहां से आ गया हमारे पास थ्री अपॉन वन माइनस लैम्डा। इसी तरह अगर हम जब वाई बराबर निकालेंगे, वाई बराबर निकालेंगे यहां पे इसको सोल्व करके, तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास 4 अपॉन 1 माइनस लैम्डा। इसी तरह जब z बराबर निकालेंगे तो z बराबर आ जाएगा हमारे पास 12 अपॉन 1 माइनस लैम्डा। अब फ्रेंड्स ये आ गए हमारे पास, अब चूंकि ये जो पॉइंट है हमारे पास x y z और ये जो पॉइंट्स आए हैं हमारे पास, ये पॉइंट्स कहां पर है, ये हमारे पास जो हमारे पास कर्व थी स्फीयर की, इस कर्व पे है, तो ये इस कर्व की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए एक्स वाई जेड इनकी वैल्यू इसमें पुट करनी होगी हमें, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं यहां से। तो यहां से हमारे पास एक्स वाई और जेड की वैल्यू अगर उसमें पुट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा नाइन अपॉन वन माइनस लैम्डा का स्क्वायर प्लस जब वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो 16 अपॉन वन माइनस लैम्डा का स्क्वायर, जब इसकी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 144 अपॉन वन माइनस लैम्डा का स्क्वायर इक्वल टू वन, यानी वन माइनस लैम्डा का स्क्वायर कॉमन एलसीएम लेके उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 144 इक्वल टू वन माइनस लैम्डा का स्क्वायर। अब इन दोनों तीनों को अगर ऐड करें फ्रेंड्स हमारे पास, तो
ये हो जाएगा हमारे पास नाइन फोर फाइव सिक्स वन इक्वल टू वन माइनस लैम्बडा का स्क्वायर। तो यहां से हो गया हमारे पास वन माइनस लैम्बडा का स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस तेरह। तो यहां से हमारे पास आ गया लैम्बडा बराबर यहां से आ गया हमारे पास, अगर प्लस तेरह है तो लैम्बडा बराबर लैम्बडा इधर जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस ट्वेल्व, एंड अगर माइनस तेरह है तो लैम्बडा बराबर फोर्टीन। यानी ये हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी है। तो फिर लैम्बडा की ये दो वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, स्टेरिल पॉइंट निकालेंगे। स्टेरिल पॉइंट क्या थे जो हमने यहां पे निकाले थे, x बराबर क्या था 3 अपॉन 1 माइनस लैम्बडा। तो हमारे पास अगर लैम्बडा बराबर माइनस 12 है तब कौन से पॉइंट होंगे, और लैम्बडा बराबर 14 है तब कौन से पॉइंट होंगे। तो अब ये निकालते हैं हम, जब फिर लैम्बडा बराबर माइनस 12 उस कंडीशन में हमारे पास एक्स बराबर आ जाएगा, अगर लैम्बडा की वैल्यू माइनस 12 पुट करेंगे यहाँ पे तो ये प्लस में आ जाए प्लस 13 थ्री अपॉन 13, और यहाँ पे पुट करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 अपॉन 13 वाई बराबर 4 अपॉन 13 एंड जेड बराबर आ जाएगा, इसको इसी फॉर्म में लिख देते हैं एक्स वाई जेड बराबर 3 अपॉन 13 4 अपॉन 13 एंड 12 अपॉन 13। और जब लैम्बडा की वैल्यू 13 होगी तो उस कंडीशन में हमारे पास एक्स वाई जेड बराबर आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे अगर 14 पुट करें तो माइनस 3 अपॉन 12 सॉरी 13 माइनस 4 अपॉन 13 एंड माइनस 12 अपॉन 13। तो फ्रेंड्स ये दो पॉइंट आ गए हमारे पास स्टेरिल पॉइंट्स। अब हम निकालते हैं इस पॉइंट से डिस्टेंस, इस पॉइंट से डिस्टेंस किस पॉइंट, इस पॉइंट से डिस्टेंस इस पॉइंट की और इस पॉइंट की। अगर इस पॉइंट को हम ले लें पी और इसको ले लें क्यू और इसको ले लें ए, तो डिस्टेंस देखनी है हमें ए पी एंड ए क्यू की। तो उसको निकालने के लिए पहले ए पी की डिस्टेंस अगर देखें हम, तो ए पी की डिस्टेंस जो होगी ए पी बराबर रूट ऑफ 3 माइनस 3 अपॉन 13 का स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारे पास 4 माइनस 4 अपॉन 13 का स्क्वायर प्लस और ये हो गया हमारे पास 12 माइनस 12 अपॉन 13 का स्क्वायर और इसका रूट। जब फिर इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास, हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगी 12। आप फिर सॉल्व दिस, तो इस तरह से इसकी डिस्टेंस तो ये आ गई। इस तरह हम ए क्यू की डिस्टेंस निकालेंगे, तो ए क्यू की डिस्टेंस जो होगी वो जाएगी हमारे पास 3 प्लस 3 अपॉन 13 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 अपॉन 13 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस 12 अपॉन 13 का स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो डिस्टेंस आ जाएगी वो हो जाएगी 14। तो फ्रेंड्स यहां से कह सकते हैं कि जो ये जो P पॉइंट है ये तो मिनिमम डिग्री वाला पॉइंट है, यानी ये पॉइंट जो है मिनिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट है, यानी इस पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस इस पॉइंट की है। और मैक्सिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है ये मैक्सिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट है। तो इस तरह से हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस वाले पॉइंट निकल आए। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम और भी एग्जांपल इसके ही हम अगले लेक्चर में लेंगे, लेक्चर नंबर 9 में। अगर आपको इस एग्जांपल में कहीं डाउट हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो है 9460689761, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल नहीं करनी है। और अगर मेल आईडी पे मुझे कॉन्टेक्ट करना चाहते हो तो मेल कर सकते हो मुझे hitesanmwna9785160@gmail.com। फ्रेंड्स इस तरह से आप मुझे कहीं भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।